ओम खड़गम चक्रगदे सुचाप परिघाम शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजु अंतुम मधुम कैटवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग। योग अप्रैल के मध्य काल में किस प्रकार करने वाला है। देखिए कुंभ राशि वालों, आपकी राशि में इस वक्त मंगल और शनि की युति चल रही है। मंगल की शनि की युति चल रही है, पिछले करीब करीब काफ़ी लंबे समय से चली रही है। अब मार्च के मध्यकाल से आरंभ हुई थी युति और अप्रैल के अंत काल तक चलने वाली है। लेकिन जैसे ही नव संवत अभी आरंभ हुआ उसमें ये युति ऐसी बनी कि वो पूरे वर्ष युति एक इनडायरेक्ट वे में बनी रहेगी। डायरेक्ट युति नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट युति रहेगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय जो काल है बहुत विशेष रहने वाला है। एक तो आपकी राशि के स्वामी हैं शनि महाराज, वहाँ मंगल विराजमान है तो ये युति बन गई। और शास्त्र में कहा जाता है कि सप्तक शनि मंगल हो या अथवा एक ही संघ और प्रजा कष्ट पावे अति, यानी प्रजा को अनेक प्रकार के कष्ट ऐसे में समझने पड़ते हैं जब संसार में इस प्रकार का युग चल रहे हैं। तो पूरे विश्व में देखें क्या भयानक युग बने हुए, युद्ध कहीं चल रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। और हमने इस बात को अपने पिछले कई एपिसोड में बताया था कि भूकंप आने के योग हैं और देखिए कितना बड़ा भयंकर भूकंप अभी कुछ दिन पहले हमको देखने को मिला। साथ साथ युद्ध की स्थिति बनी, विस्फोटक स्थिति बनी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आतंकवादी कृत्य किए गए रशिया के अंदर। तो ये पूरे विश्व का जो ग्रहों का योगायोग है ये समझने का प्रयास करना चाहिए। उसको समझ लें तो हम अपने जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और इस नव वर्ष जो आरंभ हुआ है, नव संवत जो आरंभ हुआ है, काल नाम का संवत आरंभ हुआ है 9 अप्रैल से, दो संवत 2081, ये भी बड़ा विशेष रहेगा। ऐसे में मंगल हो गए राजा और मंत्री हो गए शनि, तो यानी दोनों का एक इधर एक उधर और दोनों का योग जो चल रहा है इस वक्त चल ही रहा है और आपकी राशि में ही योग विराजमान है। तो आपको विशेष तौर पर बड़ी सावधानी के साथ झगड़े में नहीं फंसना है। यदि आप चाहते हैं कि यह संवत 2081 जो है आपके लिए, नव संवत काल नाम का संवत जो 9 अप्रैल से शुरू हुआ है, आपके लिए शुभ, बिल्कुल शुभ होने के योग हैं, जबरदस्त होने के योग हैं। बृहस्पति के आपके ऐसे योग होने के योग हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ, सुख, सम्मान, पद सब प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए। खासतौर पर समझ लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन यदि आप क्लैश में ना फंसे तब बस एक ही उपाय करना है कि झगड़े, जहाँ झगड़े वाला काम हो वहाँ दूर हो जाए, क्लैश में ना, मन में, मनोमस्तिष्क में, विचारों में कहीं झगड़ा द्वंद्व ना उत्पन्न होने दें तो सब बढ़िया कर सकते हैं। खैर सिलसिलेवार तरीके समझें आपके लिए कैसा ग्रहों का योग है। 11 अप्रैल को बात कर लें, तृतीया है उस दिन, शुक्ल पक्ष की, चैत्र के शुक्ल पक्ष की और बृहस्पतिवार का अवसर है। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं इस दिन आपकी राशि में, मेष से निकलकर, बृहस्पति के साथ से निकलकर चतुर्थ भाव में स्थित होकर लाभ के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं और वहाँ पर विशेष तौर पर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, और ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। नेगेटिव विचारों से बचिएगा बस। कई बार क्या होता है द्वंद्वात्मक स्थिति में, कई बार हम आपको लगता है कि बस कुछ नहीं चल रहा है द्वंद्वात्मक, जितने नेगेटिव होंगे ना उतने ज़्यादा फंस जाओगे। चाहे आपकी कुंभ राशि है, चाहे आपका कुंभ लग्न है, सबके लिए ये बात बता रहे हैं। चाहे सूर्य राशि है, चाहे नाम की राशि कुंभ है, तो उन पर यह प्रभाव उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव विचारधारा से बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। नेगेटिव लोग जहाँ आपको जो हतोत्साहित करते हैं उनसे दूर हो जाएं, जो आपके विचारों को बढ़ाएं उनके साथ काम करोगे तो बहुत सुंदर योग बनता दिखाई देगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको चाहिए, ये सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में इस दिन बात करें तृतीया के दिन चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर है, गणगौर है, माँ भगवती गौरी पार्वती जी का पूजन करने का अवसर है, मत्स्य जयंती है, भगवान विष्णु की उपासना करें। रवि नाम का योग है, नए कार्य आरंभ करने के दिन अच्छा है। तो इस सब समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, पुण्य के लिए जगाने का प्रयास करना चाहिए, चंद्र घंटा की आराधना करें। और हमने विवेकानंद योग आश्रम में इन नवरात्रों में भी हर वर्ष की भांति सुंदर सहस चंडी महायज्ञ का आयोजन किया है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती के शिव विग्रह का ध्यान करके उनके सानिध्य में माँ चंद्र घंटा की सुंदर पूजा करने का सुंदर अवस्था है। माँ भगवती के विजय घंट उनके नाद कर उनका पूजन किया जाता है, श्रृंगार का समस्त सामग्री उन्हें उपस्थित की जाती है। तो ये सुंदर पूजन कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। 12 अप्रैल का दिवस चतुर्थी का अवसर है और साथ साथ शुक्रवार का योग भद्रा विद्यमान रहेगी इस दिन, जो सूर्योदय से पहले आरंभ होकर करीब करीब 1:11 तक रहेगी। तो ध्यान रखिएगा नए कार्यों को आरंभ करने के लिए समय जो है वो 1:11 के बाद ही रहेगा। और ऐसे में ग्रहों का योग आपके अनुकूल है, सुख को देने वाला है, सम्मान को बढ़ाने वाला है। और बस आपको ध्यान रखना है कि जिद में नहीं अड़ना है। कई बार क्या होता है कि हम जिद में अड़ जाते हैं, जानते हम भी हैं कि कहीं ना कहीं हम गलत सोच रहे हैं, क्रोध अननेसेसरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अड़े रहते हैं। वो अड़ना आपके लिए नुकसानदायक है। यदि अड़ना हट गए
तो बस आप समझे आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त होने के सुंदर योग बन सकते हैं। थोड़ा हनुमान जी की आराधना करें वो सुंदर रहेगा, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। कुष्मांडा भगवती की आराधना करने का अवसर है, नवरात्र का चतुर्थ दिवस है, माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना की जाती है, पेठे का भोग भगवती को लगाया जाता है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा कहा कि माँ भगवती के विभिन्न अध्यायों के 13 के 13 अध्यायों का यज्ञ चलता ही है, ऐसे में सहस चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन होता है पूरे नवरात्रों में, आप भी उसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का सुंदर अवसर। पेठे के द्वारा विभिन्न आहुतियाँ दी जाती हैं माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ के अंदर, तो उससे लाभ होता है। 13 अप्रैल का दिवस पंचमी तिथि शनिवार का अवसर, और मिथुन राशि में दोपहर को चंद्रमा परिवर्तन करके जाएंगे 12 बज के करीब 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 50 मिनट पर, उसके साथ साथ सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, संक्रांति भी है वैसाखी भी है आज, रात्रि में करीब 9:50 पर ये परिवर्तन का योग बन रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य राहु की युति लगातार ग्रहण करी युग पर आ रही थी, विचारों को नेगेटिव कर रही थी, ऐसे में विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का स्वप्रभाव आपको कल से दिखने का योग बन जाएगा, क्योंकि सूर्य रात्रि में परिवर्तन हो गया, उसका प्रभाव कल से सुंदर तरीके से रविवार के दिन आपको सुंदर तरीके से प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध का परिवर्तन के साथ साथ आप आने के चलें बुध की राशि में चंद्रमा का जाना भी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, आपके विचारों में नया परिवर्तन लाएगा, आपको नई दिशा प्राप्त कराएगा। बुद्धि के द्वारा शत्रुओं पर कैसे, समस्याओं पर कैसे विजय प्राप्त करनी है वो विचार मन में आ सकते हैं, बस नेगेटिव भाव नहीं रखना है, ये भाव देख लीजिएगा, जो लोग आपके प्रति नेगेटिव रहेंगे वो अपना ही नुकसान कराएंगे, तो इसलिए आप आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, सुंदर योग है आपके लिए। इस दिन श्री पंचमी भी है, महालक्ष्मी की आराधना करके सुंदर लाभ ले सकते हैं, इसलिए माँ भगवती पंचमी का ध्यान करते हुए और साथ साथ भगवती का स्वरूप स्कंद माता स्वरूप में माँ भगवती का ध्यान किया जाता है, माँ भगवती को खीर का भोग लगाएं, कल्याण के योग बनेंगे। 14 अप्रैल षष्ठी तिथि रविवार का अवसर, और भगवती कात्यायनी की आराधना करने का सुंदर अवसर है, सूर्य परिवर्तित होकर ग्रहों का परिवर्तन करने का सुंदर योग बना चुके हैं, ऐसे में सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करें, उनको अर्घ दें, सुख का उदय करने का योग बहुत सुंदर तरीके से, विचारों में नए परिवर्तन का योग सूर्य बनाने का योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं, पराक्रम में उदय करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए बृहस्पति के साथ सूर्य का योग जो बन रहा है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पराक्रम को बढ़ाने वाला है, बृहस्पति ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन उग्रता भी बढ़ाने वाले हैं, थोड़ी उग्रता ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बृहस्पति के साथ सूर्य का योग जो है अननेसेसरी का हर बात में गुस्सा क्रोध को बढ़ाने वाला रहेगा, उसको विजय प्राप्त करने के लिए दुर्गा जी का यज्ञ करें। इस वक्त दुर्गा जी का यज्ञ नवरात्र में पूजा दुर्गा आपके भाग्य को जगाने के लिए योग बना रही हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको केवल, बहुत सारे लोग अपने अपने विचार को डाल देते हैं, जब हमारा वीडियो सुन ही रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान कर लें कि नवरात्र का अवसर है, भाग्य जगाने का अवसर है, दुर्गा पूजा आपके लिए इस वक्त चाहिए, हवन यज्ञ दुर्गा पूजा चमत्कार उपस्थित कर सकती है, कर लीजिए, चल रहा है दुर्गा, घर में करा लीजिए, ब्राह्मण को बुलाकर खुद कर लीजिए, सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, ध्यान रखते हुए कार्य करें, रवि योग है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। 15 अप्रैल का दिवस क्या करेगा आपके लिए समझ लीजिए, कुंभ राशि वालों के लिए 15 अप्रैल का दिवस विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन की सूचना लेकर आ रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए सुबह तो अच्छा है लेकिन शाम के समय अननेसेसरी की एंजाइटी मन में बढ़ा सकता है, लेकिन अभी तो आप सुबह हैं, रात शाम को परिवर्तन ग्रहों का योग होगा रात में 9 बजे के बाद, पूरा दिन अच्छा है, बढ़िया है, विचारों में पॉजिटिविटी रहेगी, और इस बात का ध्यान रखिएगा अलग जगाकर काम करने का प्रयास करें, आपके लिए शुभ रहेगा स्थिति। काल रात्रि भगवती की आराधना करने का सुंदर अवसर है, चतुर्थी का विशेष तौर पर योग जो बन रहा है नवरात्र का सप्तम दिवस भगवती कालरात्रि का है, शत्रु ऐसे बातों से मानने वाले नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, आपका अहित कर नहीं सकते, तो आप प्रबल होकर काम आगे बढ़ाकर फ्रंट फुट पे आगे खेलने का प्रयास करना चाहिए, यह आपके लिए विशेष तौर पर योग है। दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय एक मंत्र आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्याकार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, इसका जप करें, यदि शत्रु मान नहीं रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स परेशान कर रहे जा रहे हैं, तो इस मंत्र का जप कर उनमें कॉम्पिटिशन में विजय प्राप्त करने का योग सुंदर तरीके से आप बना सकते हैं, ये अकाट्य प्रयोग है, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में आया है, और हमारे यहाँ इस मंत्र का नित्य प्रति यज्ञ चलता है, तो आप इसके सानिध्य में यज्ञ में भाग लेकर इसका भी जप करके लाभ ले सकते हैं। 16 अप्रैल का दिवस आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा वीक दिन दिखाई देता है, आने वाले 2-3 दिन अननेसेसरी की एंजाइटी बढ़ते दिखाई देंगी, रोग थोड़े परेशान कर सकते हैं, सर्दी जुकाम का थोड़ा सा नज़ला परेशान कर सकता है, ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। माँ गौरी की आराधना करने का अवसर है, महाअष्टमी है, और ख़ासतौर पर कई प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर्स परेशान कर सकते हैं, तो इनको ठीक करने के लिए दुर्गा जी का पाठ करें। कहा जाता है कि महाअष्टमी के दिन जो पंच मकारों की आहुति माँ भगवती को अर्पित करते हैं उनके जीवन से पाप जो अशुभ योग हैं वो सब दूर हो जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष, ये हैं पंच मकार। कई लोग शब्दों में फंस जाते हैं, मत्स्य मांस मदिरा मेष मद इत्यादि, इनकी बलि के चक्कर में फंस जाते हैं, उनमें फंसे
वो सांकेतिक हैं और इनका वास्तविक अर्थ है काम क्रोध लोभ की आहुति देने का प्रयास कीजिए, उससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे और कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर अवसर है। महाअष्टमी जो है अशोकाष्टमी के रूप में जानी जाती है, अशोक यानी शोक को दूर करने वाला दिन अशोकाष्टमी। अशोक के पेड़ के नीचे एक पेड़ होता है अशोक, जहाँ सीता अशोक वन जहाँ भगवती सीता को रावण ने रखा था, अशोक के पेड़ों से आच्छादित था। देसी अशोक का पेड़ गोल छतरी के समान होता है, उसके नीचे बैठकर जैसे ही आप इस सुंदर तिथि में राम कथा का श्रवण करेंगे, दुर्गा जी का यज्ञ करेंगे, कहा जाता है कष्ट दूर भाग जाते हैं। तब हनुमान जी ने इस सुंदर योग में माँ भगवती को राम कथा जैसे ही सुनानी आरंभ की थी, भगवती के मन से समस्त प्रकार के दुख कलेश दूर हो गए थे। तो आप भी सुंदर योग का लाभ ले सकते हैं, कष्ट दूर करने का योग बन रहा है। 17 अप्रैल को रामनवमी है, महानवमी का अवसर है, समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली अद्भुत नवमी इस बार आई है, कई योगों को लेकर आई है और साथ साथ प्रत्यक्ष भी सनातनीय व्यवस्था के लिए गौरव का अभिमान का स्वाभिमान का अवसर है। भगवान रामलीला पुनः पहली रामनवमी में उस मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। सुंदर तरीके से भगवान हनुमान विशाल यज्ञ करने का प्रयास करें। ग्रह योग भी बड़े आपके अनुकूल हैं, लेकिन ध्यान रखने वाले हैं, आपके मन में थोड़े से नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं ग्रह योग, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए राम का स्तवन करें, दुर्गा का स्तवन करें, शक्ति की आवश्यकता है। मन थोड़ा शीर्ण लग रहा है, छठे भाव में चंद्रमा विराजमान होकर मन को शीर्ण कर रहे हैं, ये ग्रह योग इसमें शक्ति की आवश्यकता है। तो महानवमी का यज्ञ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, राम जी का पाठ विशेष तौर पर ध्यान करें, सुंदर तरीके से विश्वास को जगाने का प्रयास करें। विश्वास जागेगा तो सब कल्याण होने के योग बनेंगे। ऐसे में आश्रम पर महाअष्टमी का महानवमी का विशेष यज्ञ रखा गया है, जो शाम को 5 बजे से आरंभ होकर दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का यज्ञ चलते हुए भंडारे के साथ समाप्त होगा। पूर्णाहुति की अवेला रहेगी, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहेगा। आप भी उसमें आ सकते हैं, विवेकानंद योग आश्रम में शाम के इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं आप। 18 तारीख का दिन विशेष तौर पर परिवर्तन का दिन है और ये परिवर्तन आपके अंदर बहुत सुंदर रहेगा। बृहस्पति के साथ पंचतृतीय भाव में बैठकर चंद्रमा के साथ जो सप्तम में बैठे हुए हैं उनके साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, लाभ धन आगमन सफलता की सूचना देते दिखाई दे रहे हैं ये। तो ये ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देगा, आने वाले 2-3 दिनों में शुभ लाभ के योग बनते दिखाई देंगे आपको। इस दिन विशेष तौर पर रवि नाम का योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन मूल ग्रह का विद्यमान रहेगा। अश्लेषा और गंडमूल नाम के योग जो है, अश्लेषा और मघा नाम का नक्षत्र जो है विद्यमान रहेगा 17, 18, 19। 17 आधे दिन, 18 पूरे दिन, 19 तारीख को आधे दिन में मघा नाम का नक्षत्र रहेगा, पहले अश्लेषा फिर मघा। तो इन नक्षत्रों में जो जातक जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य हो जाती है करनी, ऐसे में करा लेनी चाहिए, अनादिकाल से लोगों ने इसका लाभ लिया है, नहीं तो जीवन पर्यंत बच्चों को कष्ट, परिवार को कष्ट झेलना पड़ता है। शुभ ग्रहों का प्रभाव कभी कभी होता है, ज़्यादातर नहीं होता। तो ऐसे में यदि आपने बचपन में नहीं कराई है तो इस समय में तुरंत करा लीजिए, 27 दिन बाद जब पुनः घूम के आएगा तब फिर पूर्णाहुति करा लीजिएगा। नित्य प्रति 1000 मंत्र का जप कर इस अनुष्ठान को किया जाता है और अवश्य करा लेना चाहिए। हमारे आश्रम पर इसकी पूर्ण व्यवस्था है, इसका लाभ जान लेने के लिए आप फ़ोन करके संपर्क साध सकते हैं। 19 तारीख का तिथि एकादशी तिथि, कामदा एकादशी की तिथि है, ग्रह आपके अनुकूल है। भगवान विष्णु की आराधना कर भगवती पार्वती लक्ष्मी जी की आराधना कर आप संपूर्ण रूप से मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। कहा जाता है कि इस शुक्रवार के दिन एकादशी पढ़ने से, कामदा एकादशी पढ़ने से बड़ी महत्वपूर्ण योग बन गया है। ऐसे में सुंदर तरीके से महालक्ष्मी का आराधना करें, श्री सूक्त से उनका यज्ञ करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवै दोमाव ताम माव जातवै, ये मंत्र हैं भगवती के, इनका स्तवन करें, इनका यज्ञ करें, सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। 20 तारीख का दिन द्वादशी है और साथ साथ चैत्र की शनिवार का अवसर है और चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दिन में लाभ के योग प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन बुध भी उदय होने जा रहे हैं, पूर्व दिशा में बुध का उदय होना, सुबह 7:59 पर 49 मिनट पर ये योग बनेंगे। तो ऐसे में बुध का उदय होना आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो कई प्रकार से लाभ के योग पर आएगा। बुध थोड़े शक्ति में कम है, लेकिन इस प्रकार से जहाँ उच्च के शुक्र के साथ विराजमान है तो कहा जाता है कि बुध बड़े विचित्र प्रकार का योग बनाते हैं। जैसी अवस्था में होते हैं, जिनके साथ होते हैं उनका प्रभाव दे देते हैं, लेकिन राहु के साथ हैं तो वहाँ अशुभ हैं, शुक्र के साथ हैं तो वो अच्छे हैं। तो आप ध्यान रखें, बुध का बड़ा विचित्र प्रभाव हो सकता है, बुध को कंट्रोल करने की खास ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में आपको, क्योंकि बुध आपकी राशि के अनुसार से बुद्धि के स्वामी हैं और आपकी राशि के अनुसार से बंधन के भी स्वामी हैं। तो बुध को खासतौर पर ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में बुध को ठीक करने के लिए कुछ दिन लगातार आप उपाय करें, बुध के मंत्र का जप करें, गाय गौ सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, अन्यथा ये बुध कष्ट भी दे सकते हैं।
देखिए जन्मपत्री में जो योग हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार से, हम उन सब से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं गोचर के प्रभाव के अनुसार से। ये जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, इन सब में ग्रहों के गोचर प्रभाव को, चाहे वो जन्म राशि के अनुसार से, चाहे वो लग्न के अनुसार से हैं, चाहे वो नाम राशि के अनुसार से, चाहे वो सूर्य राशि के अनुसार से, कई प्रकार से ज्योतिष के इन विषयों को आप समझ सकते हैं। प्रभाव होगा यदि सूर्य की राशि, यदि आप जोडिक साइन की बात करते हैं, यदि उसमें आपकी ये है तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं हमारी राशि के प्रभाव को। यदि आपकी चंद्र राशि के अनुसार से उसको भी देख सकते हैं। लग्न यदि आपका स्पेसिफिक यही है जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आपका फलीभूत होने का योग बना सकता है। और तो इन सब पद्धतियों से आप हमारे इस राशि फल को गोचर के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन गोचर तो एक प्रभाव है और वो बहुत प्रत्यक्ष भी है, लेकिन मूल सिद्धांत किस प्रकार का है, आप अपने जीवन में कौन से स्तर पर, पहली पैड़ी पर हैं, दसवीं पैड़ी पर हैं, सौवीं पैड़ी पर हैं, हजारवीं पैड़ी पर हैं, एक लाखवीं पैड़ी पर हैं, तो उसके अनुसार से प्रभाव होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राशि राशि में आपने 12 हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, 12 हिस्सों में बांटा, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार से बांटा, लेकिन हर व्यक्ति अपने एक अलग स्तर पर है, तो उसका प्रभाव अपने स्तर के अनुसार से होगा। तो आप उसको बृहद रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। फिर भी दशाएं, महादशाएं, जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री, षठवर्ग, षोडश वर्ग, इन सबको बहुत अच्छे से देखकर, जन्मपत्री का बहुत अच्छे से एनालिसिस करकर आपके बहुत सारे आगे आने वाले समय को जाना जा सकता है और कष्टों को दूर करने का योग बनाया जा सकता है। ये हमारा संस्थान बहुत सारे कार्य इस प्रकार से लगातार कर रहा है, भारतीय योग विज्ञान के संबंध में, पराविद्याओं के संबंध में। यह आश्रम करीब करीब पिछले 60-70 सालों से लगातार योग, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय पराविद्याओं में, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करता है हमारा आश्रम। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार्क में स्थित है, विवेकानंद योग आश्रम। हमारे पिताचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 1960 के दशक में ये कार्यक्रम या संस्थान की स्थापना की गई। एक 100 बेड का पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और विभिन्न बीमारियों में बहुत सुंदर तरीके से जनता के लिए लाभ का कार्य कर रहा है। कमर दर्द में, डायबिटीज़ में, शुगर में, किडनी डिसऑर्डर्स में, अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लगातार कार्य कर रहा है और भारत सरकार के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो बहुत सारे विभिन्न सरकार के पैनल्स पर भी है और उन वहाँ सब भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मुद्राओं के संबंध में, आपने देखा होगा कि ये विभिन्न मुद्राएँ जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही इस पूरे विश्व में पहुंचाई गई हैं। आज जो भी लोग हैं हमारी मुद्राओं के द्वारा, चाहे वो हृदय रोग की ये मुद्रा है, 3 सेकंड में मृत संजीवनी मुद्रा फर्स्ट एड देने का काम करती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। जबरदस्त मुद्रा है ये, मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अपनी खोज है। गुस्सा आ रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, ये ज्ञान मुद्रा, पहली मुद्रा ऐसी है कि बिल्कुल हल्का स्लाइटली टच लेकर आप हाथ ऐसे रख लें, जेब में रख लें, बिल्कुल किसी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा, आपको यूरिन संबंधी समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो अपान मुद्रा, ये ऐसी अद्भुत मुद्राएं। और तो और आपके ग्रह प्रभावों को ठीक करने के लिए, यदि बृहस्पति आपका कमजोर है तो आप इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके अपने बृहस्पति को, नई आवश्यकता आपको किसी नग की, नई आवश्यकता किसी और चीज़ की, इसको आप मुद्रा कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। शनि आपका यदि अनुकूल नहीं चल रहा है, शनि के कष्ट चल रहे हैं, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर शनि के दोषों को दूर कर सकते हैं। ये अद्भुत प्रयोग हमने बहुत सुंदर तरीके से मुद्राओं के द्वारा भी, ये पराविद्या का भाग है, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर बहुत सारी 85 पुस्तकें आश्रम से प्रकाशित की गई हैं। आप सब उन सब का अध्ययन कर आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और हर, वैसे तो आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, आप सब लोग हर रविवार को उस यज्ञ में पधार सकते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ विशेष तौर पर चल ही रहा है जो पूरे 9 दिन तक सहस चंडी के रूप में यज्ञ विद्यमान रहेगा। माँ भगवती का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से, पीताम्बरा भगवती का ये शिव विग्रह हमारे आश्रम पर पधारा, एक व्यक्ति लेके आए वहाँ से ट्रंक में बंद करके 1947 में, और हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे मंदिर में, आश्रम में माँ भगवती का शिव विग्रह प्रतिष्ठित है, चमत्कारी शिव विग्रह है। और उन्हीं के सानिध्य में ये नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ पिछले अनेक वर्षों से सुंदर तरीके से सब लोगों के साथ सम्मिलित प्रयास से किया जाता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसकी पूरी विधि आप फोन नंबर्स पर जान सकते हैं। और इस प्रकार के सुंदर कार्य आश्रम पर लगातार चलते रहते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का सुंदर कार्य किया जाता है, लगातार महीने में कम से कम 10 से 15 भंडारे जनमानस के लिए व्यवस्था की जाती है। हॉस्पिटल आपको बताया ही चल रहा है और बहुत सारे कार्य संस्थान के द्वारा, विवेकानंद योग आश्रम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान के संबंध में तो हम आपके साथ लगातार वीडियोस के माध्यम से आश्रम पे लोगों के साथ सानिध्य प्राप्त कर विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ मंत्र इत्यादि का सानिध्य, बहुत सारी समस्याएं, कोई स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान, बहुत सारे रुद्राभिषेक इत्यादि आप सब लोग कई व्यवस्था। हाँ, एक और, बहुत सारे लोग पितरों की समस्या से ग्रसित होते हैं,
पितृ परेशान कर रहे हैं, पितरों को आप तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था हमने अपने आश्रम पर रखी हुई है। आप अपनी अमुक तिथि पर अपने पितृ के निमित्त तर्पण यज्ञ, यदि आप विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन इत्यादि यज्ञ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चलते ही हैं। रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए सुंदर सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। हर मंगलवार को सुंदर कांड का आश्रम में व्यवस्था चलती ही है। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के माध्यम से ये स्थापित किया गया और आज हम उसी प्रयास में हम आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को अपने आश्रम के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।